हेलो ऑल, वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन ऑफ द जूलॉजी 2019 पेपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 71 से हम बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग्जेट जीन ऑफ PUC18 वेक्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो लेग्जेट जीन का फंक्शन यहाँ पे क्या है बेसिकली, तो बहुत ही ईजी है। इट एनकोड्स फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है लैक्टोज को गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। उसके अलावा बाकी आप देखो, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसफरेस एंजाइम नहीं, ये नहीं आएगा। इट एनकोड्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड एनकोड्स फॉर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ द रिलेशनशिप दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स। तो बेसिकली एक मॉडल जहाँ पे इंटरेक्शन उसका नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस सिग्निफाई या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा फूड वेब, राइट। वी कैन से ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स, तो ये आएगा फूड वेब। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, वेयर इट इज। तो यूजुअली कमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करेगा, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज न्यूट्रल इफेक्ट, और वी कैन से कोई हार्म भी नहीं होगा और उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो देयरफॉर कमेंसलिज्म इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर ए एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन बी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्री फ्रॉग। ये ट्री फ्रॉग एक्चुअली यूज करता है पर्टिकुलर ट्री के ब्रांच या लीफ को टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम रेन। तो यहाँ पे फ्रॉग को बेनिफिट हो रहा है, बट जो ट्री या जो पर्टिकुलर लीफ है उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट नाइदर गेटिंग बेनिफिटेड नॉट इट इज़ गेटिंग हार्म्ड, राइट। तो यहाँ पे ये कमेंसलिज्म का बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज इनटॉलरेंस इज ड्यू टू। तो फ्रुक्टोज इनटॉलरेंस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोलेज एंजाइम। आल्डोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म में वंस फ्रुक्टोज गेट कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज वन फॉस्फेट, उसके बाद एंजाइम चाहिए फ्रुक्टोज वन फॉस्फेट आल्डोलेज, सो दैट फर्दर मेटाबॉलिज्म कैन बी डन। बट यहाँ पे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोलेज दिस फ्रुक्टोज विल गेट एक्यूमुलेटेड एंड इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। इट विल कॉज टॉक्सिसिटी, ओके, मेटाबॉलिक टॉक्सिसिटी या जो भी इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट की जो टॉक्सिसिटी रहती है वो। तो देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ आल्डोलेज विल लीड टू द फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो वायरस कौन सा कॉज करेगा? तो जेनेटल हर्पिस जो है वो एक्चुअली हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है, एंड बाकी के जो तीन है सिफिलिस गोनोरिया एंड क्लेमिडिया दे आर बाय द बैक्टीरिया, वेर इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस विल कॉज जेनेटल हर्पिस, ओके। तो आउट ऑफ दिस फोर जेनेटल हर्पिस इज द ऑप्शन, और वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय वायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स कॉजेज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो है एक्स एक्स वाई विल कॉज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वैसे ही एक्सो विल कॉज टर्नर सिंड्रोम, ओके, एक्स वाई वाई इज जेकब सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम, वेर इज एक्स एक्स इज द नॉर्मल जीनोटाइप ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज द फर्स्ट ऑप्शन, एक्स एक्स वाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स वॉज यूज एक्सटेंसिवली इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अगेन हम बोल सकते हैं डिबेटेबल है उसके ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पे जो पर्टिकुलर वैक्टर यूज किया गया था एक्सटेंसिवली वो था बैक, एंड इनिशियली वो येक भी था। येक एंड बैक, यू कैन से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, दोनों एज अ वेक्टर यूज किया गया था। उसमें भी सबसे ज्यादा बैक यूज किया गया था, एंड ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ दिस येक वो फिर फाइनली डिसकंटिन्यू किया गया एंड बैक यूज किया गया। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें से कॉस्मिड नहीं आएगा,
बोथ कॉस्मिड एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी नहीं आएगा. द आउट ऑफ दिस फोर मोस्ट प्रोबेबल इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. फिर इस प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो प्लाज्मिड वेक्टर एंड एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड वेक्टर दोनों अलग है. तो यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मिड वेक्टर दिया है तो जिसमें पीयूसी या फिर ये जो वी कैन से पीआरबी पीयूसी ये जो सारे वेक्टर्स है ये सारे वेक्टर्स एक्चुअली नहीं आएंगे. एफ प्लाज्मिड अगर बोला होता तो हम बैक लिख सकते थे वेक्टर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ओके तो आउट ऑफ दिस फोर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिक्वायर सनलाइट टू लिव. बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है. फोटोसिंथेटिक कौन सा बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं है, ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक नहीं है बट कीमोसिंथेटिक है. तो फर्स्ट वन दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है. फिर अब एल्गीज ट्रीज एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखो तो दे विल रिक्वायर सनलाइट टू लिव. ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल ऑफ मोजिला. तो अगेन ये क्वेश्चन क्यों पूछा है जूलॉजी में बट एनी वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल ऑफ मोजिला. तो फायरफॉक्स अल्फा इज नॉट द चैनल ऑफ मोजिला. फायरफॉक्स ऑरोरा सही है, फायरफॉक्स बीटा सही है, द सिंपल फायरफॉक्स और चौथा चैनल है फायरफॉक्स सेंट्रल. तो आउट ऑफ दिस फोर फायरफॉक्स अल्फा इज नॉट द चैनल ऑफ मोजिला. ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन बैक्टीरियोफाजिस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैंपल. बैक्टीरियोफाज कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि बेसिकली वायरस का कॉन्सेंट्रेशन. एंड चारों जो ऑप्शन है उसमें से कॉपी ऐसे नंबर नहीं आएगा. इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर्स और वन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ द क्यू पी सी आर. फ्लैक ऐसे इज द करेक्ट आंसर. लाइट माइक्रोस्कोपी भी नहीं आएगा एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी नहीं आएगा. यूजुअली प्लेक ऐसे जो है, प्लेक ऐसे आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, यूजुअली उसको हम सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, वायरल जो सॉल्यूशन है उसको सीरियल डाइल्यूशन करेंगे एंड फाइनली उसको जब प्लेटिंग करेंगे तब उसका प्लेक हम काउंट करेंगे. जितने भी प्लेक फॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे उससे हम ओरिजिनल जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना था जो टेस्ट सॉल्यूशन का वो हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ पे द आउट ऑफ दिस फोर द मोस्ट अप्रोप्रिएट और द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द बैक्टीरियोफाज कॉन्सेंट्रेशन विल बी द फ्लैक ऐसे मेथड. तो यहाँ पे अगेन हमने 71 to 80 क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे.